दीने इस्लाम के दो गोशे, एक गोशा हमें इबादात के मुतल्लक बताता है, फराइज के मुतल्लक बताता है, हकूक उल्ला की बात करता है, और दूसरा गोशा हमें हकूकुल इबाद की बात करता है, लोगों के राइट्स लेके देने की बात करता है, खिदमत इंसानियत की बात करता है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके नजदीक दीने इस्लाम का वो गोशा जो हकूकुल्ला की बात करे, यानी उसको मजहब हम कहेंगे, और वो दीन का तकरीबन 10% है। जबकि इमाम आजम के नजदीक दीन का वो हिस्सा जो लोगों के मसाइल को डिस्कस करे, लोगों को उनका हक लेके देने की बात करे, सियासत करे, सियासत यही है ना कि खिदमत इंसानियत आपने करनी है, जो ट्रू सियासत है, तो जो सही सियासत की बात करे, वो दीन का 90% हिस्सा इमाम आजम के नजदीक है। वो डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने हमें बताया वो है सियासत, हकूकुल इबाद, बंदों के हक उनको लेके देना। हम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की जहां पे बेशुमार खिदमात गिनवाते हैं, ये सच है, कोई शक नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ अर्ज करूंगा कि वो जो 90% है उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी का सियासी तौर पे हमारे ऊपर क्या एहसान है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की सूरा मुबारका है सूरा बनी इसराइल, और उसकी आयत नंबर 71 कोड कर रहा हूं ताकि आप जरा इसको देख लें। अल्लाह ताला कियामत के दिन का जिक्र फरमाता है और फरमाता है, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, यौमा नदऊ कुल्ला उनासिन बे इमामेहिम, कि यौमा क़यामत के दिन का जिक्र है, यौमा नदऊ कुल्ला उनासिन बे इमामेहिम, लोगो याद करो वो दिन जब हम लोगों को उनके लीडरों के साथ उठाएंगे। अगर किसी को एतराज हो तो किसी भी इंग्लिश के कुराने करीम का तर्जमा किसी का भी किया हुआ हो वो देख ले। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं हुई। हदीसे मुबारका उसका मफहूम है कि तुम दुनिया में जिसके यार होगे ना, साथी होगे, क़यामत वाले दिन तुम्हारा हशर भी उस जैसा ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के हम साथी क्यों हैं और उनका सियासत पे एहसान क्या है। मेरे दोस्तों, अगर ये गल करिए ना, असी को दोस्तों दी हमदर्दियां होंदियां, तशरीफ फरमा यकीनी तौर पर होंगे, साथी जिन्हां दियां सियासी तौर पर हमदर्दियां पीटीआई दे नाल ने, यकीनन कोई दोस्त साढ़े च ऐसे भी होंगे जिन्हां दियां नून लीग दे नाल ने। पहला मैं नून लीग वालियां नूं पुछ लां, भाई तुहानूं मुबारक होए, कुराने करीम ये कह रहा जे कि तुहाडा हशर क्यामत वाले दिन ओ ही होना है जिहड़ा मियां नवाज शरीफ साहब का होना है। तुसी खुश हो ना सारे ही देते, मैं कोई गल अपने कोलो नहीं कर रहा। फिर एक रिकॉर्ड करना, सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 71, अल्लाह ताला फरमांदा है कि याद करो वो दिन जब हम लोगों को उनके लीडरों के साथ उठाएंगे। पीटीआई वाले नौजवान साथियों, तुहानू मुबारक होए, जेड़े इमरान खान नू लीडर मानते हो, कुराने करीम दे इस फैसले के मुताबिक तुहाडा हशर क़यामत वाले दिन ओही होना है जेड़ा इमरान खान साहब का होना है। मुस्लिम लीग नून वालियां नूं भी मुबारक, जरदारी साहब नूं अपना लीडर मनन वालियां नूं भी भाई मुबारक होए। अगर ये गल
हजरत साहब मेरे को बैठे ना हसते ने जो मैं ना लेना वो हसते यकीनी तौर पर इस तो ने कि जो ये गल किसी पीटीआई वाले दोस्त नू आखीए ना अकलमंद नू ते वो पता की आंदा आंदा यार ये गल नहीं ये ना अल्लाह करे होए नून लीग वाले नू आखो भी यार कुरान है सदा दे रहा है वो आंदे ने नहीं यार ये प्लीज ना होए उंज असीं उन्हां नू तो सिर्फ वोट दे देने आ लेकिन फर्क की है पाकिस्तान अवामी तहरीक च और दूसरिया पोलिटिकल पार्टियां च दोस्तों तुहानू करोड़ों बार मुबारक होए कि पाकिस्तान अवामी तहरीक होए या तहरीके मिनहाजुल कुरान या उदा कोई फोरम पाकिस्तान अवामी तहरीक दा हर फर्ज ए आंदा या अल्लाह तेरा करोड़ों बारी शुक्र है और जरूर तू साडा अशर क्यामत वाले दिन उही करी जेड़ा तू डॉक्टर ताहिरुल कादरी दा करना है। असगर जंजुआ साहब यार मैं तुहाडे ते भी आना हजूर जरा जे इजाजत दे दियो ते डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का फर्क की है दूसरे सियासतदानां नाल देखो यार आईने पाकिस्तान इसे मुल्क च मौजूद सी ना और 1973 तो मौजूद सी इमानदारी नाल दसो किसे नू पता सी कि आईन दा आर्टिकल 62 और 63 आंदा है कि लोको कोई चोर कोई डाकू कोई लुटेरा कोई बेईमान कोई बददियानत और कोई झूठा तुहाडा लीडर नहीं हो सकता आईन दे अंदर ये 62 और 63 जिहड़ी दफा है आंदी है वे कि तुहाडा लीडर सिर्फ हो सकता है जिहड़ा सादक और अमीन होए सच्चा बंदा बदकिस्मती पाकिस्तान दी कि पाकिस्तान च जिन्ना बड़ा गुंडा बदमाश और झूठा ते बेईमान होए ओडा वड्डा लीडर हुंदा है। कादरी साहब ने तुहानू ये सबक दस्या लोगों नू दस्या कि आईन दा आर्टिकल 62 और 63 तुहानू सादक और अमीन करार दिंदा है बेईमान नू ते इलैक्शन लड़न दा हक ही नहीं आईन इत्थे मौजूद सी। कादरी साहब ने अपने धरनियां दे दौरान ये गल दसी कि इन्हां जालमां ने तुहाडे 40 पहले आर्टिकल जेड़े आम आदमी नू उहदा हक देण दी गल करदे ने जेड़े गरीब दे हक लई लड़दे ने जेड़े कहिंदे ने कि गरीब लई रोटी कपड़ा मकान और अगर वह नहीं बेचारा वसाइल रखता तो उहदे बच्चियां दी तालीम और नान नक्फे का सारा जिम्मा जेड़ा हुकूमत वक्त का हुंदा है। आईन दे पहले 40 आर्टिकल वो इन्हां ने मुअत्तल कर रहे ने सिर्फ इक्को ही काम ते सारे मुतफिक ने कि आ गरीब आवाम नू चूसो इन्हां दा खून पसीना चूस के बाहर दे मुल्कां च अपनियां जागीरां बनाओ। मेरे दोस्तों इस सारियां चीज़ां दा दी फिक्र जिहड़ी है वह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने सानू दित्ती। मैं बेसिक कॉन्सैप्ट समझा के तुहाडे को इजाजत चाहवांगा पिछले दिनों च वेख्या होएगा तुसी अज तो 4 कु साल पहला कौम नू एक नवी उम्मीद दिलाई गई और कौम नू ये उम्मीद दिलाई गई सी कि हुण मुलक तब्दील होण जा रहा है तब्दीली आ रही है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक नजरिया है शुरू तो लाके अज तो 40 साल तो लाके तो अज के दिन तक वह नजरिया की है वह नजरिया है कि पाकिस्तान के अवाम का असल दुश्मन ये बदतरीन करप्ट निजाम है जेड़ा किसी शरीफ आदमी नूं और अच्छे बंदे नूं इकतदार च आउण ही नहीं दिंदा ये सिर्फ चोरां ते डाकुआं नूं सपोर्ट करदा और उन्हां नूं साडे उत्ते मुसल्लत करदा। बाकिरदार लोग वो लोग जिन्हां दे कोल जिहड़े शरीफ आदमी ने भावें जिड्डी मर्जी डिग्री लैके बैठे ने जिड्डे मर्जी दानश्वर ने कदी इलैक्ट होके असैंबली च नहीं पहुँच सकते बल्कि जिड्डे बद किरदार लोग होणगे वो असैंबलियां च पहुँचणगे। हर वो शख्स जिहदे कोल कम अज कम 1 अरब रुपया हराम दा सिर्फ वो इलैक्शन लड़ सकता है और असैंबली च पहुँच सकता है।
ए डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब ने फिक्र दिती। मैं अर्ज कर रहा सा कि देखो दो सोचा सामने आई, एक ने ना लिया तब्दीली का और दूसरे कायद ने ना दिता निजाम की तब्दीली का। कादरी साहब फरमाया 100 इलेक्शन भी लड़ लो कभी इस मुल्क च तब्दीली नहीं आएगी जिन्ना चिर एक करप्ट और जालम निजाम रहेगा। लिहाजा निजाम नू पहला बदलो ते फिर इस पासे नू जाओ। लेकिन खान साहब का नजरिया नहीं सी। उन्होंने आख्या नहीं कादरी साहब मैं इस फील्ड च जाना यानी मैं इस निजाम च जावांगा इलेक्शन लड़ांगा और इलेक्शन लड़के कामयाब हो जावांगा फिर मैं इस निजाम नू तब्दील कर देंगा। तब्दीली दे नां ते इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। 4 साल कमो बेश उन्होंने इकतदार के मजे लुटे। लेकिन ईमानदारी मैनू दिल से हथ रख के दसो कि जदों आखिरी इमरान खान साहब के दिन सन और गौरमेंट सन क्या आवाम दियां उन्हें चीकां नहीं कढ़ातियां? क्या कोई फर्क आया तब्दीली आई? तो फिर कुर्बान जाइए उस अजीम कायद तो कि जिस दिन इमरान खान साहब जस्ट वजीर आजम बने सन उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब ने फरमा दिता सी कि मोटे कलम नाल लिख के दे आओ। याद है ना किबला ने फरमाया बेटा मेरे दस्तखत करके दे आयो तुहानू कोई परेशानी नहीं होएगी। इस निजाम च इमरान खान बुरी तरह पिट जाएगा और कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो फिर तब्दीली आई नहीं। एक होर गल दिती सी कायद ने, कायदे मोहतरम ने फरमाया सी इमरान खान असी वोट सारे तेनू दे दिते ने तू जित भी गया लेकिन एक गल याद रखी ए नवाज शरीफ एंड कंपनी इन्ने कु गाहक ने कि तू आ जिहड़ा रौला पाना है ना कि चोर डाकू ने लुटेरे ने मैं इन्हां नूं छड्डना नहीं तो मैं माल वापस लियाउणा है। ये ठीक है, है चोर डाकू ही ने लेकिन यह याद रखी कि तू हाथ इन्हां दी जेब च पाना है माल बरामद करन लई। चोरी का माल बरामद करन लई तू हाथ पाना है नवाज शरीफ की जेब च लेकिन बरामदगी होनी है तेरी जेब चो। याद है ना याद ने भी वक्त अज वो घड़ी चोर बन के तोशाखाना केस दे विच ते इमरान खान साहब का अशर की होण दिया। दोस्तों याद रखो इस मुलक दे विच इकतदार दिता जांदा आवाम की मर्जी नाल नहीं आउंदा और जिन्हों इकतदार देना होंदा उन्हों अरतगुल गाजी बना के पहला पेश किया जांदा, उन्हों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बनाया जांदा कि आ रहा कौम का मसीहा, मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। उन्हों जिन्ने हलकियां दे विच इलेक्टिबल्स होंदे ने जिड्डे वड्डे गुंडे होंदे ने इलेक्टिबल्स जिन्हें इलेक्शन जितने होंदे ने वो सारे दे सारे नू छड़ी ला के उधर नू तोरिया जांदा भी उन्हों बनाना वजीर आजम। उन्हों सारे ही उधर नू चलदे ने। काफ लीग का देख लो गंद किन्ना कु सी सारा इमरान खान साहब नू दिता गया। नून लीग दे लोग दिते गए कि नहीं दिते गए? पीटीआई दे सारे लोटे लुटेरे जेड़े ने वो इमरान खान साहब नू दिते गए, दे के ते वजीर आजम बना दिता गया। याद रखो ये नजरिया क्लीयर कर लो। जदों वजीर आजम जिन्हों बनाना होंदा है उन्हों घोड़ा टॉप का दिता जाता है, उहदे ते जीन बड़ी बेहतरीन पाई जाती है, तलवार उन्हों चमकदार दिती जाती है, लीडर आ रहा है। जदों आ जांदा ना जी वह बड़ा खुश हुंदा। लेकिन इहो ही करप्ट निजाम जदों उन्हों किक आउट करता है तो पहला करता की है, 3 कु साल जड़े होंदे ने ना वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब 3 कु साल जड़े ने ना वो तरले मिनता ना कढ़दे ने। 3 सालों बाद उन्होंने एहसास फिर होंदा कि मैं तो हुण सची मुची का वजीर आजम हाँ, मैं सची मुची सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हाँ। लिहाजा उहदे नाल की हुंदा है वो जदों इकतदार च लियाउण वाले जड़े ने उहनू
कन्नों फड़ के थले लाने ने ते फिर वो चीका मारदा है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। इस गल नूं असीं समझ लईए। इस तो मेरी गुजारिश तुहाडे अगे दोस्तां अगे वे कि देखो कायदे इनकलाब ने सानूं एक कम दिता है, कोई दूसरा कम नहीं दिता, बाकी सारे दे सारे कम जिहड़े ने उहनूं सपोर्ट करन लई ने। असीं अपने नाल लोगां दी एक इन्नी बड़ी तादाद नूं मिलाउणा है, अपने नजरिए ते लिआउणा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो कहिंदे ने उह हक कहिंदे ने। 40 साल तो जिहड़ा निजाम इस मुल्क दे उत्ते चल रहा है वह निजाम करप्ट है, वह गंदा निजाम किसी शरीफ और पाक बंदे नूं इकतदार च आउणी नहीं देगा। इस तो अवाम दुश्मन निजाम के खिलाफ लोगों असी इकट्ठिया करना है और एक बड़ी तादाद अगर एक कारकुन असी पैदा कर लैने तो इंशाला कोई वक्त दूर नहीं कि मुस्तफवी इनकलाब की मंजिल जिहड़ी है वह साड़ी हल होएगी। लोगो आखिरी गल, मुल्क पाकिस्तान के जिन्ने मसाइल ने याद रखियो उन्हां दा मदावा उन्हां दा इलाज इंतखाब च नहीं बल्कि मुस्तफवी इनकलाब च। और आओ सारे मिलके कहद करिए, साल तो कम अज कम मुख्तलिफ जमातों भावें वह मजहबी होण ते भावें सियासी असी आजमांदे होंदे हाँ एक बारी डॉक्टर मुहम्मद ताहिरुल कादरी के नजरिए मन के में जो हमारे जज्बों के साथ वफा में जो हमारे जज्बों के साथ हम कदम रहेंगे वो लोग तारीख की जबीं पर रकम रहेंगे। ये हक को बातिल का मार का है लोगों, ये हक को बातिल का मार का है। निजाम ने जबरो सितम से कह दो अब यहां किसी के तो होंगे टुकड़े, जालमो या तुम रहोगे या हम रहेंगे।